हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं विवेक पटेल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस बार मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारा टारगेट है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के बारे में मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस बार पीएससी ने अपने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में गहरे बदलाव किए हैं। उन्होंने न सिर्फ मेन एग्जाम के सिलेबस को चेंज किया है, बल्कि पेपर में यूनिट के डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पैटर्न को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो देखें दोस्तों, क्या बदलाव हमारे मुख्य परीक्षा में आए हैं। तो दोस्तों, पुराने तरह से पेपर 3 से लेकर के पेपर 7 तक सारे पेपर 5 खंडों में बटे हुए हैं, लेकिन इस बार लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 22 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 13 हैं। तो इस तरह से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का वेटेज 200 में से 96 अंक हो चुका है, 96 मार्क्स। वहीं 8 नंबर वाले और 10 नंबर वाले मध्यम उत्तरीय प्रश्नों की संकल्पना भी की गई है, और 100 शब्द और 125 शब्द वाले ऐसे प्रश्न 74 अंक कैरी करते हैं, 74 मार्क्स। तो दोस्तों, इस तरह से लघु और मध्यम उत्तरीय प्रश्न भारी संख्या में पूछे जाएंगे। वहीं सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 175 शब्द वाले हैं, जिनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माना जा सकता है, जो सिर्फ 30 अंक कैरी करते हैं। तो इस तरह से देखें दोस्तों, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। मध्यम उत्तरीय प्रश्नों की संख्या लगभग वैसी ही है, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत घटा दिए गए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, हम किसी यूनिट को पढ़ें और किसी को छोड़ें यह रणनीति बिल्कुल नहीं अपना सकते। हमको सभी यूनिट्स को पढ़ना पड़ेगा और कोशिश हमारी यह रहेगी कि सारे टॉपिक्स हम कवर करें। इसका मतलब अब यह बड़ा सिलेबस वास्तव में व्यापक हो गया है, वृहद हो गया है, और यह हमारे सामने पहला चैलेंज पोज करता है कि हमको पढ़ने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इतने सारे सवालों को उन्हीं 3 घंटों में कवर करना है। तो हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सवालों को कवर कर सकें और उनमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि पेपर को टेकल कैसे किया जाए। मेरी सलाह यह है कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से शुरुआत करें। यद्यपि यह कम है, लेकिन यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको वो महत्वपूर्ण मार्क्स दिला सकते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमेशा मिलना संभव नहीं होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हैंडल करते समय हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम प्रश्न को बड़े ही ठंडे दिमाग से पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के लिए अगर हम सही समय देते हैं तो हमें प्रश्न के एसेंस का, प्रश्न के उद्देश्य का जो है ज्ञान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे यह पूछा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व को स्पष्ट करें और हम उसके अंदर में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान लिखने शुरू करते हैं या सूचना कैसे मिलती है यह बताना शुरू करते हैं, तो इसमें हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, प्रशासन में क्या फर्क पड़ता है और हमारा देश कैसे एक अच्छा प्रजातंत्र बनता है, अगर हम वो लिखेंगे हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न को ठंडे दिमाग से पढ़ना और यह समझना कि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, यह बहुत जरूरी है। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न चुनना यह खंड 4 और 5 की विशेषता है। तो हमें बड़े ही जल्दी से, स्विफ्टली यह डिसाइड करना होगा कि हम 2 में से कौन सा एक प्रश्न बनाना चाहते हैं। उस प्रश्न को गहराई से पढ़ करके, 2 या 3 बार पढ़ के हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रश्न वास्तव में पूछना क्या चाहता है और जो चीज पूछे गया है उसको जो है योजनाबद्ध ढंग से हमको आंसर देना जरूरी है। तो आप अपने मन में या पेपर पे एक योजना तैयार करें कि कौन से बिंदुओं को आप वहां पे रखना चाहेंगे। बड़े ही स्पष्ट रूप से आपको यहां पर आंसर देना है, इसलिए नियोजन, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपका प्रयास यह होना चाहिए कि जो सबसे प्रभावी बिंदु है वो सबसे पहले आए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना चाहिए अगर क्वेश्चन 2 हिस्सों में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यह पूछा गया कि भगत सिंह का आजादी की लड़ाई में योगदान बताइए और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के बारे में भी आप लिखिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितना लंबा होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न को अगर 2 हिस्सा किया जाता है तो वहां पर उसके वेटेज को क्लियर नहीं किया जाता। तो आप किसी के बारे में ज्यादा जानते हैं तो ज्यादा लिखेंगे, जिसके बारे में नहीं जानते हैं तो कम लिखेंगे। इस तरह की रणनीति के बजाय आप यह देखिए कि कौन से प्रश्न में ज्यादा कंटेंट पूछा गया है और वहां पर
आप योजनाबद्ध ढंग से चीजों को लिखिए। सबसे प्रभावी बिंदु सबसे पहले आने चाहिए और इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इसके आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। जहां पर प्रश्न आपका समाप्त होता है वहां पर आप पूर्ण विराम डाल करके आगे लिखना बंद कर दीजिए। जगह भरना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको 175 शब्द का सीमा दिया गया है, अगर आप 150 शब्द में भी आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए एक अचीवमेंट है और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखे हैं तो आप उसका पुनरीक्षण करें, मात्राओं की गलतियों को सुधारें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें और इससे आपके दीर्घ उत्तरी और मध्यम उत्तरी प्रश्नों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पैदा होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न से मध्यम उत्तरी प्रश्नों की ओर और मध्यम उत्तरी प्रश्नों से आपके लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर आप आगे बढ़े। मध्यम उत्तरी प्रश्नों में अगेन प्रश्न को ठंडे दिमाग से पढ़ें और अच्छे से यह डिजाइन कर लें कि आपको उत्तर में क्या लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं या पैराग्राफ वाइज, सबसे प्रभावी बिंदुओं को सबसे पहले लिखें ताकि वो आपके दिमाग से ना निकले और उसके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चीजों को स्पष्ट करके लिखें और पारिभाषिक शब्दावली का, आधिकारिक शब्दों का प्रयोग करें। आधिकारिक शब्दों का प्रयोग करने से आंसर में गहनता आती है, ग्रेविटी आती है और चूंकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति है वो आपकी बौद्धिकता से इंप्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए प्रेरित होता है। आपको किसी भी चीज को बहुत ही लोअर लेवल पे जाके समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में आप जो है संक्षिप्त में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को पूरी गहनता के साथ सामने रख पाएंगे और आपकी जगह और समय दोनों की बचत होगी। तो इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली और आधिकारिक वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपने उत्तर को बहुत ही स्पष्ट, गहन और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स हासिल होते हैं। दोस्तों, इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्वयं ही प्रश्न तैयार करने की तैयारी करनी पड़ेगी। अभ्यास के दौरान, पढ़ाई के दौरान जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आप स्वयं से सवाल पूछें या आप अपने पड़ोसियों से सवाल पूछें, अपने साथियों के से सवाल पूछें और उनको खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, तो आप यह सवाल पूछ सकते हैं, प्रदूषण की परिभाषा क्या है, प्रदूषण किन कारणों की वजह से होता है, प्रदूषण को दूर करने के उपाय क्या है और प्रदूषण के अलग अलग प्रकारों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न के विभिन्न पहलुओं में अंतर कर सकते हैं और उनके जरूरत के हिसाब से उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो स्वयं से प्रश्न पूछने के दौरान आपको प्रश्न पढ़ने और प्रश्न बनाने की आदत पड़ती है जो कि आपको एक एग्जैक्टनेस देती है, जो कि आपको एक प्रिसीजन देता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि प्रश्न बनाए क्या गए हैं और उनके पीछे प्रश्न पूछने वाले का उद्देश्य क्या है, वो क्या देखना चाहता है प्रश्न। आप जो चीज अपने प्रश्न के उत्तर में देखना चाहते हैं वही आपका प्रश्न करने वाला परीक्षक भी देखना चाहता है और यह उसके मन को बूझने का सबसे सही तरीका है। अब जब स्वयं से आप प्रश्न तैयार करते हैं तो कोशिश करें कि उसका उत्तर आप स्पष्ट शब्दों में दें। अगर आप स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं और आधिकारिक शब्दों का, टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, विषय की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उन आधिकारिक शब्दों को, उन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कट, स्पष्ट रूप से पढ़ करके आपका परीक्षक बिल्कुल समझ सकता है कि आपके कहने का उद्देश्य क्या है और सीमित शब्दों का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा लिखने वाले को ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, स्पष्ट लिखने वाले को और स्पष्ट शब्दों के उचित उपयोग करने वाले को यहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, स्पेशली अगर आपको किसी लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है उत्तर नहीं आता है, तो आप उसको यथासंभव छोड़ने का प्रयास करें। अगर आप छोटे क्वेश्चंस को छोड़ते हैं तो दूसरे छोटे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा और वहां पर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्रश्न छोटे हो या बड़े, ठंडे दिमाग से प्रश्न पढ़ना और टू द पॉइंट आंसर देना हमेशा एग्जामिनर के मन में एक अच्छा प्रभाव डालता है और उसको आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मैंने आपको सलाह दी है दीर्घ उत्तरीय से लघु उत्तरीय की ओर जाने की, जबकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो वो लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय की ओर चेक करता है। इसलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखते समय आप ध्यान रखें कि आपको जैसे तैसे या काम चलाओ उत्तर लिखने से बचना चाहिए। अगर आपको कोई चीज आती है तो वो अच्छे से आए और अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसे छोड़ने में बिल्कुल परहेज ना करें।
इससे आपका समय प्रबंधन बेहतर बनेगा और आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने की स्थिति में रहेंगे। काम चलाओ उत्तर आपके इंप्रेशन को खराब कर सकते हैं और लॉन्ग रन में आपके लिए कोई खास फायदेमंद नहीं होंगे, क्योंकि उनको लिखने के लिए भी समय लगता है और अच्छे उत्तरों की तुलना में ज्यादा समय लगता है। समय बचाना और उसका सदुपयोग करना, स्पष्ट उत्तर लिखना, गहन भाषा का इस्तेमाल करना, विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करना, यह आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साकार एकेडमी में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी सवाल हो, आप ये मन में किसी भी पेपर, किसी भी मटेरियल को लेकर के कोई प्रश्न उठ रहा हो, हमसे आप कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो हमें जरूर मैसेज करें। हम आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहां उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।